जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा, जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयां शुरू की, और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने, उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयां उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयां निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयां, तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहाँ से आएगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूँ तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयां, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयां और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की चिरंजीवी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए, उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री ने बनाने का काम किया, और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया। और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, पर राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का आए, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहां सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीक्यूशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार चार साल में सरकार ने किए, उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ, कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो, सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे। ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, सीएससी पीएससी हमारे पास, सब सेंटर, डीएच एसडीएच, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में, तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो एमएलए रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के, जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और एमआरआई तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई वो, चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, एमआरआई हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है वो भी हम फ्री कर रहे हैं, चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%, आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा पूरे बजट का हिस्सा, हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। सीएससी पीएससी हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है, तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से हर आदमी को, हर नागरिक को अधिकार मिला है, उसका इलाज सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, सब अस्पतालों में उसका इलाज फ्री होगा, और उसको अधिकार मिल गया, चाहे उसके पास संसाधन है या नहीं है, वो जाकर कहेगा मेरा इलाज करिए, फ्री इलाज होगा। आज जिससे चाहे किडनी ट्रांसप्लांट हो, चाहे लीवर का हो, चाहे हार्ट का हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, आज निःशुल्क इलाज हो रहा है राजस्थान में, आज लोगों को नया जीवन मिल रहा है राजस्थान में। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का
सबसे बड़ा जो आज मॉडल बनाया स्टेट वो राजस्थान है। हम चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी मानगढ़ धाम गए थे तो मुख्यमंत्री जी ने उनसे निवेदन किया था कि प्रधानमंत्री हो आप देश के प्रधानमंत्री जी, आप इसको पूरे देश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा पूरे देश के लोगों के लागू करो। प्रधानमंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राहुल जी के कहने से 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी, जिससे कोई चाहे वो अगर प्रदेश में उसका इलाज नहीं है चाहे दिल्ली हो बॉम्बे हो कहीं भी इलाज कराएगा उसकी परमिशन भी हम उसको देंगे, वहां भी उसका पेमेंट करेंगे, पर उसका जीवन बचे। हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है गरीब आदमी का जीवन इलाज के अभाव में वो जीवन उसका बचना चाहिए, चाहे उसके लिए सरकार कितना ही पैसा खर्च करे। ये हमारा संकल्प इस बिल में है और बिल से अधिकार मिल गया, अधिकार पूर्वक किसी भी अस्पताल में जाकर वो इलाज करा सकता है। पहले अधिकार नहीं था, दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे, इस तरह का जो हम ये लाए हैं तो ये राहुल जी की पहल पर राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा से पारित करा के गवर्नर साहब को भेज दिया। जो ही बिल वहां से साइन होकर आएगा हम इसके रूल्स बनाकर बहुत जल्दी इसको प्रदेश की जनता को समर्पित कर देंगे। हम चाहते हैं कि जैसा राजस्थान में मिला ये अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये पूरे देश में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी से भी हमने निवेदन किया, आपके माध्यम से फिर निवेदन कर रहे हैं। राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को ये जनता का कानून जनता के लिए बनाया हमने, उनको समर्पित है। आज राजस्थान का कोई भी ये गरीब से गरीब आदमी ये महसूस करता है अगर मेरे परिवार में कोई बीमारी हो गई तो मेरा इलाज सरकार कराएगी। आज उसके सरकार के ऊपर भरोसा हुआ है, मुख्यमंत्री जी पर भरोसा हुआ है, राहुल गांधी जी पर भरोसा हुआ है, जिन्होंने वहां सिकंदरा की मीटिंग में एग्जीक्यूशन देखने के बाद कहा था नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। हमने राहुल जी के कहे अनुसार नेक्स्ट स्टेप भी पूरा कर दिया, प्रदेश में खुशहाली आए, प्रदेश के लोगों का इलाज हो। ये राजस्थान जैसा मॉडल मेरे ख्याल से अभी देश में कहीं भी नहीं है, इसलिए आज हम इसको और हमारा 7% जो बजट खर्च कर रहे हैं देश में सर्वाधिक बजट खर्च करने वाला राजस्थान हमारा प्रदेश है। इसलिए आप सब लोगों से यही है कि ये पूरे देश में लागू हो, मॉडल स्टेट बने, सारा देश मॉडल बने हमारा, तो सारे लोगों को अधिकार मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भी अच्छा इच्छा है, राहुल गांधी की भी इच्छा है, गरीबों का इलाज हो, गरीबों की सहायता हो, इसलिए इस बिल को लेकर हम आए।